नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। अब माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए कुछ नियमों को जोड़ा जाएगा। चलिए जानते हैं ये नियम क्या है। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। नियमों में बदलाव के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। इन नए नियमों का फायदा कुछ खास लोगों को होगा जिन्हें अब तक लाइसेंस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नए नियमों के तहत अब माइल्ड या मीडियम कलर ब्लाइंड लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें एक शर्त का पालन करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार अब हल्के और मध्यम कलर ब्लाइंड लोगों को भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। इसके लिए मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट 1989 के फॉर्म नंबर 1 और 1A में बदलाव किया है, जिसके बाद लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले को ये साबित करना होगा कि वो गंभीर रूप से इस बीमारी से ग्रस्त नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो आपको बता दें कि इस तरह के लोगों को कुछ रंगों में भेद करने या उन्हें पहचानने में परेशानी होती है। इन लोगों की सामान्य लोगों के मुकाबले रंगों को पहचानने और अंतर करने की क्षमता कम हो जाती है। वैसे इन लोगों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। केंद्रीय मंत्रालय ने ये फैसला दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र रोग विशेषज्ञों से चर्चा और सुझाव के बाद ही लिया है। इसके बाद सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में बदलाव किया है और उन शर्तों को हटा दिया है जिनकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस से जूझ रहे लोग लाइसेंस नहीं ले पाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।